गुजरात चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार के लिए अब सिर्फ 7 दिन और रह गए हैं, यानी पूरे हफ्ते पार्टियों की रैलियां और रोड शो का दौर जारी रहने वाला है। राज्य में 27 साल से सत्ता की कुर्सी संभाल रही बीजेपी इन 7 दिनों में पूरी ताकत झोंकने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर गुजरात में चुनावी रैलियां करेंगे। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज 1-2 नहीं 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी सभाएं मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में होगी। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी कल भी गुजरात में कई रैलियां करते दिखेंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे पहले उन्होंने 19 नवंबर से 21 नवंबर तक लगातार 3 दिनों तक गुजरात में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान 8 रैलियां की थी और उन रैलियों में उन्होंने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के उस बयान का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की औकात दिखाने की चेतावनी दी थी। कांग्रेस वाला कहते आ मोदी ने नहीं औकात बतावी देशु औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। तमे तो बता राज परिवारो छो, हूं तो एक सामान्य परिवार नु संतान छु, मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात में होंगे। योगी की चुनावी रैली जामनगर, द्वारका, कच्छ, सूरत और मोरबी में है। इससे पहले मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने आणंद, साबरमती और बनासकांठा में विजय संकल्प जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। हमलों की शुरुआत उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से की। गृहमंत्री शाह ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी पर तंज भी कसा। राहुल बाबा 2019 में टोंट लगावता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बतावेंगे, क्यारे बनाओ से। राहुल बाबा तारीख कही दो, 1 जानुआरी 2024 नी टिकट अयोध्या नी कराई लो, 1 जानुआरी 2024 से त्या अगर आकाश ने अड़वा वालू भव्य राम मंदिर जोवा मळशे। मित्रों भव्य राम मंदिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया कि सरदार पटेल का अपमान करने वाली पार्टी आखिर किस मुंह से गुजरात में वोट मांगने आई है। कांग्रेस वाला सरदार पटेल नु नाम बोले लो, सरदार पटेल ने अपमानित करवा माटे कांग्रेस से कोई कसर ना छोड़ी। सरदार पटेल ना अग्नि संस्कार पण सम्मान साथे न थाय त्याथी लई सरदार साहेब नु स्मारक ना बने, सरदार साहेब ने भारत रत्न ना अपाय। नरेंद्र भाईए सरदार साहेब ना सम्मान नी अंदर दुनिया नी सौथी मोटू पुत्रु स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई सरदार साहेब ने श्रद्धांजलि आपवानु काम आपड़ा नरेंद्र भाईए कर्यु। गृहमंत्री शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर बांध में रुकावटें पैदा की, मेधा पाटेकर को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ लेकर घूम रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी 2014 में मेधा पाटेकर को लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया था जिसने गुजरात की जनता के हितों पर प्रहार किया। उसका सहयोग लेने वाली पार्टियों को गुजरात की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।